नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली जितने भी जो कक्षाएं हो चुकी है वहां हम संज्ञा सर्वनाम शब्दकोश वर्ण विचार ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण, और विशेषण में किन किन आज की क्लास का हमारा क्या टॉपिक या क्या बिंदु रहेंगे तो देखें। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण के प्रकार, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है, विशेषण जो वाक्य संरचना के आधार पर जो विशेषण का प्रयोग होता है तो किन दो रूपों में उनका प्रयोग होता है, आदि हम बातें पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं, बहुत शॉर्ट से हम और विशेषण की बहुत गहराई से हम उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन विशेषण में क्योंकि यहाँ देखो एक लिमिट होती है, यहाँ मैं लिखवाऊंगा केवल उतना ही जितना आवश्यक हो। ये चीज़ लिखवाने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, केवल उसको अप्लाई करना है। आज तक हम पढ़ते आए हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को। ये कभी नहीं पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो नहीं बताते हैं वो विशेषण नहीं होते हैं, अर्थात वे विशेषण शब्द जो मूलतः विशेषण है लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, तो उनका भी हमें अध्ययन करना आवश्यक है। और वास्तव में हम केवल उन्हीं का अध्ययन करेंगे, मैं केवल विशेषण के जो प्रकार होते हैं, जो नॉर्मल, अच्छा, मीठा, सुंदर, केवल उन शब्दों पर चर्चा नहीं करने वाला हूं, उन शब्दों पर चर्चा करूंगा, उनके प्रयोग पर चर्चा करूंगा जो वास्तव में परीक्षा के लिए उपयोगी, और किस तरह से परीक्षा में जब आते हैं हमें लगता है विशेषण और विशेषण नहीं है। तो विशेषण और जातिवाचक संज्ञा में अंतर, विशेषण और संज्ञा में अंतर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। याद रखें संज्ञा और सर्वनाम दोनों। नंबर दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि विशेषण सदैव के साव कितना प्रश्न का उत्तर होता है, इस बात को याद रखें। अगली महत्वपूर्ण बात कि विशेषण विशेष्य और प्रय विशेषण तीनों को हम केवल एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। यदि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि मैंने एक यहां मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लड़का। अब यहां देखें बहुत सुंदर लड़का कैसा है, कितना प्रश्न का उत्तर सदैव विशेषण होता है। मेरे पास 20 किताबें हैं, कितनी 20, तो यहां जो कितनी, कितना, कितनी, कितने प्रश्न का उत्तर वो भी विशेषण होगा। तो और कैसा प्रश्न का उत्तर तो विशेषण होता ही है। विशेषण उन तीन जो शब्द हैं, बहुत सुंदर और लड़का, यहां कैसा, कैसा प्रश्न का उत्तर आया है सुंदर, और सुंदर कौन है, लड़का। ये जो लड़का शब्द है ये संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। लेकिन कितना, कितना प्रश्न का उत्तर भी यहां पर है, बहुत। लेकिन ये याद रखना है कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहां जो ये कितना का उत्तर जो आ रहा है बहुत, ये बहुत क्या, लड़का बहुत है या सुंदर बहुत है, सुंदर बहुत है, लड़का नहीं है, लड़का तो एक ही है। इसलिए यहां बहुत शब्द इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, किसी संज्ञा की नहीं। इसलिए बहुत शब्द विशेषण नहीं होगा, वो सुंदर शब्द विशेषण होगा। तो सुंदर शब्द जो है वो विशेषण है, और विशेष्य जो सदैव या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो संज्ञा या सर्वनाम। इसलिए जो लड़का शब्द है वो विशेष्य है। अगली बात, जो बहुत शब्द है ये बहुत शब्द हो गया प्राय विशेषण। इस एक एग्जाम्पल के साथ हम एक एग्जाम्पल और समझ रहे हैं। यहां बॉक्स में यदि मैंने लिख दिया अत्यधिक विद्वान व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, विद्वान, इसलिए कैसा प्रश्न का उत्तर होने के कारण से यह विशेषण है। और कौन, व्यक्ति, यह शब्द जो है वो संज्ञा है। लेकिन जो अत्यधिक, कितना, अत्यधिक कितना क्या, व्यक्ति नहीं, कितना, विद्वान, और विद्वान शब्द यहां पर संज्ञा नहीं है इसलिए यह विशेषण भी नहीं है, ये है प्रय विशेषण। ये क्योंकि ये इस विशेषण की विशेषता बता रहा है,
अत प्रय विशेषण हुआ इसमें अत्यधिक। विद्वान शब्द क्या हुआ? विद्वान शब्द हो गया विशेषण। और जो व्यक्ति शब्द है वो हो गया विशेष्य। क्या बहुत शब्द अत्यधिक शब्द प्रविशेषण ही होते हैं? इसके लिए हमें एक छोटी सी बात को समझना होगा, ये सदैव प्रविशेषण नहीं होंगे, ये विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। कब कैसे देखें आप, यदि मैं यहां लिखूं बहुत लड़के, यहां पर लड़के जो शब्द है वो संज्ञा है और बहुत शब्द जो कितना प्रश्न का उत्तर है, कितने लड़के बहुत लड़के, ये कितने प्रश्न का उत्तर है, इसलिए ये बहुत जो शब्द है वो विशेषण है। तो बहुत शब्द प्रविशेषण नहीं बल्कि विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। बहुत शब्द यहां पर विशेषण के रूप में है, लेकिन यदि यहां कहा जाए बहुत विद्वान, जैसा कि अभी अपन ने लिखा था बहुत विद्वान व्यक्ति, ये जो है ये बहुत प्राय विशेषण हो गया, क्योंकि विशेषण इसमें क्या है, विद्वान शब्द, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण नहीं प्राय विशेषण कहा जाता है। आइए आगे हम देखते हैं कि ये तो हो गया विशेषण, विशेष्य और प्राय विशेषण। विशेष्य सदैव संज्ञा या सर्वनाम होगा, जो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है और उसकी विशेषता जब बताई जाती है तो वही विशेष्य कहलाता है। करते हैं कि जो विशेषण होता है वो किसी संज्ञा से पूर्व आता है या पश्चात आता है। यदि वाक्य है अच्छे लोगों, अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो, यहां पर लोगों शब्द की विशेषता बता रहा है अच्छे। ये जो अच्छे शब्द है वो विशेषण है और लोग जो शब्द है वो संज्ञा है, और संज्ञा जो होता है वही विशेष्य कहलाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जो विशेष्य है वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो विशेषण के पश्चात यहां पर क्या आया है, संज्ञा। ये इस तरह से भी हो सकता है, लोग अच्छे हैं या फिर अच्छे नहीं हैं। यहां पर इस बार क्या हुआ, लोग शब्द जो है वो पहले आया है, अर्थात संज्ञा पहले आ गया, और यही संज्ञा जो है वो विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुई है, और जो अच्छे शब्द है वो विशेषण है। इसका मतलब विशेषण सदैव संज्ञा से पूर्व आए कोई आवश्यक नहीं, बाद में भी आ सकता है। एक और रोचक बात है, वो ये है कि क्या विशेष्य एक ही हो, किसी विशेषण का जो विशेष्य है वो एक ही हो या एक से अधिक भी हो सकता है। क्या किसी एक विशेष्य के लिए विशेषण का प्रयोग एक ही होगा या फिर एक से अधिक भी हो सकता है, तो वो भी देखते हैं। ये देखें आप, रमेश परिश्रमी, इससे पूर्व जो संज्ञा की क्लास हुई थी उसमें भाववाचक संज्ञा और विशेषण दोनों का अंतर संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्लास पता होना चाहिए कि ये विशेषण है या फिर भाववाचक संज्ञा है। रमेश परिश्रमी विद्वान है, रमेश परिश्रमी विद्वान है। केवल मैंने दो का प्रयोग किया इसलिए बीच में और का प्रयोग करें, परिश्रमी और विद्वान है। अब देखें रमेश परिश्रमी और विद्वान है, यहां पर जो विशेष्य है वो रमेश है, कैसा प्रश्न का उत्तर जो है वो परिश्रमी और विद्वान, कैसा है, परिश्रमी है विद्वान है, इसलिए ये विशेषण, ये पहला विशेषण और ये विशेषण दूसरा। इसका मतलब एक विशेष्य के लिए दो विशेषण हो सकते हैं।
अगली बात, रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश परिश्रमी हैं, इसका मतलब रमेश और सुरेश ये दो विशेष्य हो गए, और दो विशेष्य, विशेष्य एक, विशेष्य दो, और परिश्रमी जो विशेषण है ये एक है। इसका मतलब किसी वाक्य में एक विशेष्य दो विशेषण, अर्थात एक से अधिक विशेषण हो सकते हैं। किसी वाक्य में एक विशेषण और एक से अधिक विशेष्य हो सकते हैं। किसी वाक्य में एक से अधिक विशेषण और एक से अधिक विशेष्य एक साथ हो सकते हैं। कैसे? भले वह ईमानदार लोग, भले वह ईमानदार लोग संयमित व अच्छा व्यवहार करते हैं। यहां देखिए आप, लोग ये एक विशेष्य है। कैसे लोग? भले, ईमानदार, ये दो विशेषण हो गए। ये विशेषण नंबर एक, ये विशेषण नंबर दो। संयमित व अच्छा व्यवहार, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि एग्जाम में, ध्यान से देखना इसको। व्यवहार, तो व्यवहार शब्द जो है वो संज्ञा है, ये हो गया विशेष्य। इसकी विशेषता बताई जा रही है किन दो विशेषणों से? नंबर एक संयमित, कैसा व्यवहार? संयमित। तो नंबर एक विशेषण ये हो गया, नंबर दो अच्छा ये विशेषण हो गया। इसका मतलब इस वाक्य में दो विशेष्य और चार विशेषण है। तो एक वाक्य के अंदर एक से अधिक विशेष्य और विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट बात जो विशेषण के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विशेषण की, विशेषण और संज्ञा दोनों में अंतर। विशेषण और संज्ञा में अंतर, कौन से ऐसे शब्द हैं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त, हमें लगता है जैसे वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं लेकिन वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त न होकर के संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो आइए देखते हैं, मैं यहां बता रहा हूं विशेषण व संज्ञा दोनों में अंतर, विशेषण और संज्ञा में अंतर, जिसका हम अध्ययन पहले पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं लेकिन यहां फिर से थोड़ा सा अध्ययन आवश्यक है। देखें, जैसे मैंने अभी लिखा था विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति सर्वत्र सर्वत्र पूजे जाते हैं, विद्वान व्यक्ति सर्वत्र पूजे जाते हैं। ये विद्वान शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की, इसलिए विशेषण है। हमने बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ा है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। लेकिन यदि कोई भी विशेषण संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा है वो विशेषण नहीं है। ये बात जिसने पकड़ ली उसके परीक्षा में गलत नहीं हो सकता। केवल विद्वान, केवल अच्छा, केवल मीठा शब्द देखते ही वहां कूद करके नहीं पड़ जाना है कि बस ये तो विशेषण है, गलत हो जाएगा वो। विद्वान शब्द क्यों विशेषण है? क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। कौन है विद्वान? व्यक्ति। व्यक्ति कैसे हैं? विद्वान। अगर एक एग्जाम्पल मैं और लिखूं, जैसे मीठा पदार्थ सभी को अच्छा लगता है, मीठा पदार्थ सभी को अच्छा लगता है। कैसा? मीठा। किसकी विशेषता बता रहा है? पदार्थ की, इसलिए विशेषण है। नंबर तीन, बीस किताबें पढ़ ली। मान लो यदि मैं इस तरह से कहूं, मैंने 20 किताबें पढ़ ली। कितनी? 20। क्या किताबें? ये 20 शब्द किताबों की विशेषता बता रहा, इसलिए विशेषण है। यदि मैं ये कहूं
विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं, विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं। अगर अपने मन से किसी ने यह कर लिया कि साहब जो विद्वान है लोग ही हैं, इसमें लिखने की आवश्यकता क्या है, नहीं, अपने मन से किसी ने कर लिया गलत हो जाएगा, वो विशेषण नहीं है। किसकी विशेषता बता रहा है? विद्वान, विद्वान व्यक्ति, विद्वान लोग, विद्वान मित्र, विद्वान किसान, विद्वान सैनिक, विद्वान साधु, विद्वान महात्मा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वाक्य में नहीं है, इसका मतलब ये खुद संज्ञा है। दूसरा वाक्य था मीठा पदार्थ, मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ। यहां मीठा शब्द विशेषण नहीं है, मीठा क्या मत खाओ, मीठा फल, मीठा पदार्थ, मीठा आम, ये किसके लिए आया है मीठा, इसका मतलब ये खुद ही संज्ञा है। नंबर तीन, तीसरा वाक्य था बीसों को पढ़ लिया, बीसों को पढ़ लिया, क्या बीसों, बीसों पत्रों को पढ़ लिया, बीसों किताबों को पढ़ लिया, किन बीसों को पढ़ लिया, बीसों निबंधों को पढ़ लिया। तो यहां जब किसी संज्ञा का प्रयोग नहीं है साथ में, इसका मतलब ये खुद संज्ञा है, विशेषण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। मेरे लिए एक हरा लाओ, हरा क्या, आगे बोलना पड़ेगा, हरा कपड़ा, लाल लाओ, लाल क्या, लाल कपड़ा, लाल पेन। तो विशेषण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो इस विशेषण स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त हुआ है इट मीन्स नाउन, वो संज्ञा है। विद्वान, मीठा, बीसों, यहां तीनों वाक्य जो है वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। आइए इसके बाद में देखते हैं विशेषण की अवस्था, और विशेषण की जो अवस्था है इंग्लिश में, बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लिश में ये बात पढ़ चुके हैं और याद भी उनको है कि इंग्लिश के अंदर विशेषण को कहा जाता है एडजेक्टिव, और उसकी तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। विशेषण की जो अवस्था है, देखिए अभी एक मुद्दा चल रहा है, तो सबसे पहले, और वो मुद्दा चल रहा है कि किन भाषाओं को मान्यता दी जाती है, राजस्थानी भाषा को भी मान्यता को लेकर के जगह जगह आंदोलन हुए थे। राजस्थानी भाषा, क्योंकि जिस तरह से गुजराती, मराठी, इन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है लेकिन राजस्थानी को नहीं है, कौन सी भाषा को मान्यता मिलती है, तो उसके बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, जिसमें से कुछ है जैसे एक बहुत बड़ा भूभाग जिस पर बहुत सारे लोग उस भाषा को बोलते हों, उस भाषा में विपुल मात्रा में साहित्य लिखा गया हो, उसकी एक ग्रामर यानी व्याकरण हो, व्याकरण भाषा को अनुशासन में बांधती है। वरना अगर व्याकरण नहीं होती तो फिर कोई सी मात्रा जैसे जैसे लगाओ, किसी भी शब्द का हम चाहे जिस तरह से प्रयोग करें, लेकिन एक व्याकरण ही है जो भाषा को बांध कर रखती है। तो विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, विशेषण की अवस्थाओं को समझने से पूर्व हम ये समझें कि इंग्लिश के अंदर किस तरह से विशेषण का प्रयोग तीन अवस्थाओं में होता है। जिस तरह से इंग्लिश में होता है उसी तरह से हिंदी में भी तीन तरह से प्रयोग होता है। नंबर एक, देखो एक शब्द है जैसे ब्लैक इंग्लिश के अंदर, और यदि किसी से तुलना की जानी है तो आगे ई आर लगाया जाता है, ब्लैकर, जिसका मतलब होता है से काला। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए ब्लैकेस्ट, ई एस टी आगे जोड़ दिया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे यूजफुल, तो आगे यूजफुलर नहीं कहेंगे, और उसमें क्या होगा, उसमें शब्द होगा मोर, मोर यूजफुल, और इसी तरह से मोस्ट यूजफुल, जिसका अर्थ हो गया सबसे अधिक उपयोगी, सबसे उपयोगी। जिस तरह से ये दो पैटर्न है इंग्लिश में, इंग्लिश में एक तीसरा पैटर्न भी है गुड, बेटर, बेस्ट, जहां शब्द पूरी तरह से बदल जाता है, लेकिन हिंदी में केवल ये दो तरह से प्रचलन है। कैसे, जैसे हम ये कहें काला, से काला, राकेश काला है, राकेश सुरेश से काला है, यहां तुलना बताई जा रही है, और राकेश सबसे काला है, सबसे काला। भाषा की प्रकृति जो है वो सब में समान होती है,
चाहे वो दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज हो। अब राजस्थानी की जो मैं बात कर रहा था कि जिसको कहा जा रहा है कि इसकी व्याकरण निश्चित नहीं है या ये अनुशासन में नहीं है, व्याकरण प्रत्येक भाषा में है, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज हो, लेकिन उसको एक नियमबद्ध करते हुए उसको एक पुस्तक के रूप में कहीं उसका जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए काफ़ी कुछ दिक्कत आती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से प्रयोग किए जाते हैं। बाकी मारवाड़ी या जिसको हम राजस्थानी कहते हैं उसमें भी विशेषण की अवस्थाएं हैं। ये देखिए आप, मारवाड़ी में ऐसा कहा जाता है काड़ो, ब्यू काड़ो, काड़ो कुट, वही सबसे काला है, वही इंग्लिश में ब्लैकेस्ट है। मारवाड़ी में राजस्थानी प्रत्येक शब्द के लिए अलग है, दोड़ो दप, पीड़ो पट, लाल चुट, ये राजस्थानी भाषा में पीछे लगने वाला जो प्रत्यय है, उसी तरह से हिंदी में लगता है, उसी तरह से इंग्लिश में जिस तरह से ईआर और ईएसटी लग रहा है। देखें हिंदी में भी इस तरह से जो तर और तम प्रत्यय लगता है, जैसे यदि हम कहें उच्च, उच्चतर, उच्चतम, इसी तरह से लघु, लघुतर, लघुतम, तो ये जो तर और तम प्रत्यय है ये हिंदी में कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाता है, और इन्हीं तीनों प्रकार को क्या कहा जाता है, ये विशेषण की मूल अवस्था है, ये विशेषण की मूलावस्था है, ये विशेषण की मध्यमावस्था है, जिसे हम उत्तरावस्था भी कहते हैं, मध्यमावस्था या उत्तरावस्था, और ये विशेषण की उत्तमावस्था है, उत्तम अवस्था। हम उत उपसर्ग को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। ध्यान रखें ये जो लघुतम शब्द है जिसमें मैंने मात्रा लगाई है छोटी, लघुतर शब्द इसमें भी मैंने मात्रा छोटी लगाई है, इस शब्द पर भी हम चर्चा करेंगे। तय के डंडा नहीं आएगा और मात्रा छोटी, और जहां तय के डंडा आएगा वहां मात्रा बड़ी होगी, दोनों ही शब्दों में। लेकिन इन दोनों शब्दों का यहां कोई काम नहीं है, इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। अगली क्लास से हम इन्हीं शब्दों से चर्चा आरंभ करेंगे। देखें सबसे इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कहां पर यह से और सबसे लग रहा है और कहां तर उत्तम प्रत्यय लग रहा है। जो इस प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे एक नई बात और सीख लेंगे। हिंदी में जिस तरह से तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े जाते हैं, ये एक टॉपिक होता है व्याकरण में। तत्सम जो मूल संस्कृत के शब्द हैं और जो हिंदी में प्रचलन में है, तद्भव जो संस्कृत में नहीं थे हमने उनको गढ़ लिया। तो ये तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं उनमें जो तत्सम विशेषण है, तत्सम होना चाहिए और विशेषण होना चाहिए, उसमें तो तर उत्तम प्रत्यय लगेगा, और जिसमें तर उत्तम प्रत्यय नहीं लग पाता है इसका मतलब तत्सम है ही नहीं। तो एक नई बात का और पता लगा सकते हैं, काला, कालातर, कालातम नहीं कह सकते हम, वहां से काला, सबसे काला, इस तरह से कहना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो शब्द है काला शब्द, ये विशेषण तो है ही लेकिन साथ में तद्भव शब्द है, लेकिन ये दोनों ये तत्सम है, ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव है। जिनको भी ऐसे लगता है कि ये विशेषण की इस क्लास के, क्योंकि विशेषण के प्रकार और विशेषण वाक्य रचना के आधार पर, जहां हम उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण ये पढ़ेंगे, ये दो चीजों को छोड़ करके बाकी जो हमने अभी आज पढ़ा है, विशेषण, विशेष्य, प्राय विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की अवस्थाएं, एक वाक्य में विशेषण, एक से अधिक विशेषण का प्रयोग हो सकता है, एक वाक्य में किस तरह से वो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उससे पहले भी प्रयुक्त हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, एक विशेषण के एक से अधिक विशेष्य हो सकते हैं, एक विशेष्य के एक से अधिक विशेषण हो सकते हैं, ये बातें पढ़ी। इनसे संबंधित यदि कोई दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।